हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम 12 इंची इलेक्ट्रिक चेंसा के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं कि कैसे हम इसका सेटअप करें और कैसे इसे इस्तेमाल करें। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ये रबड़ का वॉशर है जिसे ग्राइंडर के हेड के ऊपर काफ़ी अच्छी तरीके से पहले फिट कर देंगे। और अब ये देखो, यहाँ पर फिटिंग इसकी हो चुकी है। अब जिससे चेन घूमती है हमारी, और उसके बाद से इसका चैन का कवर है, इसको कवर को पहले खोलने के बाद से इस पर टाइट कर देंगे मोटर के ऊपर अच्छी तरीके से। वाइट कलर का जो डब्बा दिख रहा है आपको, उसमें हमारी ऑयल रखी जाती है जिससे कि चैन हमारा स्मूथली काम कर सके। देखो यहाँ पे फिटिंग हो जा रही है इसकी। एलन की बोल्ट नट के बोल्ट जो लगे हुए हैं, इसे एलएमटी की मदद से टाइट कर देंगे। गाइस, इसे फिक्स करते समय इसकी बोल्ट को जरूर एक बार चेक कर लें कि अच्छी तरह से टाइट किया गया है या नहीं टाइट किया गया है। ये बेल्ट टाइट करने के लिए बोल्ट है। अभी इसमें जब देखेंगे हम इस बेल्ट को फिट करेंगे तो यहीं से टाइट किया जाएगा। अब पहले ब्लेड के ऊपर इस चैन को लगा लेते हैं। लग चुकी है हमारी। अब इसको ग्राइंडर के हम स्पिंडल पे लगा देंगे। और लगाते समय ध्यान देंगे कि बेल्ट को टाइट करने वाली जो नट नीचे लगाई गई है वो इस होल में उसको ढीला कर देते हैं पहले। फिटिंग करें तो ये दोनों साइड के बोल्ट को काफ़ी अच्छी तरीके से टाइट रखना है। ये अच्छी तरीके से हमारी टाइट हो चुकी है। अब इसे हम फिट कर देते हैं स्पिंडल के ऊपर। और स्पिंडल के ऊपर फिटिंग इसकी अच्छी तरीके से होने के बाद से हम इसे इसके ऊपर वॉशर लगा के इसे टाइट कर देंगे। अब इस पर देखो गाइस, वॉशर लगा के अब इसे अच्छी तरीके से टाइट करना है। गाइस, वॉशर टाइट करते समय ध्यान देंगे कि काफ़ी अच्छी तरीके से ये वॉशर भी टाइट होना चाहिए।
अब देखिए वॉशर हमारा टाइट होने के बाद से इसके ऊपर इसका कवर लगा देंगे, जिससे जिसके बाद से इसके बोल्ट को एलेंकी बोल्ट को लगा के इसे अच्छी तरीके से टाइट करेंगे। अब एलेंकी की सहायता से हम इस बोल्ट को काफ़ी अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। अब ये देखिए हमारा बोल्ट जो है काफ़ी अच्छी तरीके से टाइट हो चुका है। अब इसके बाद से हम इसको चैन की फिटिंग के लिए इस स्क्रू को टाइट करेंगे, जिससे कि बेल्ट हम बेल्ट जो है चैन हमारा वो काफ़ी अच्छी तरीके से इस ब्लेड के ऊपर फिट हो जाए। अब इसके हैंडल को लगा देंगे, जिससे कि हमें पकड़ने में इसे आसानी होगी। अब ये देखिए इसे एलेंकी बोल्ट को भी एलेंकी की मदद से काफ़ी अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे, जिससे कि हमें मशीन से काम करने में काफ़ी आसानी हो। गाइस ध्यान दीजिए, अब हमारी मशीन जो है कम्प्लीटली तैयार हो चुकी है। अब हम इसे इलेक्ट्रिक सप्लाई की मदद से इस मशीन को चलाकर पेड़ की कटिंग कर सकते हैं।